बंधुओं पूज्यपाद जी भी कहते तीन आदमी से तर्क नहीं करना चाहिए। ध्यान देकर सुनिए, एक बच्चे से, बच्चा के दिमाग में जो आएगा वो वही करेगा। मैया बाबूजी कितना कहें उधर मत जाना, लेकिन आंख भटका और बच्चा सटका। इसलिए बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल काम। दूसरा, गुस्सा मत होइएगा, ये बूढ़ बूढ़ बाबूजी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम। बुजुर्ग आदमी को समझाना पत्थर को पेन बनाना, ये बुजुर्ग आदमी को कितना कह दीजिए ऐसा, हमसे ज्यादा जानते हो, बाल ऐसे ही पक गया है। बुजुर्ग आदमी के दिमाग में जो बैठ गया वो बैठ गया, उसको उतारना असंभव। हमारे दादाजी थे, हैं अभी, 99 वर्ष के हो गए, वो आश्रम में, तो हमारे न रहने पर फ्रिज खाली रहता है। मैंने कहा फ्रिज बंद मत किया करो, चालू रखा करो, बंद फ्रिज खराब हो जाता है। अब मैं जाऊं फ्रिज का बटन चालू करूं, जाके बंद करिए। हमने प्लग व्लग हटा के डायरेक्ट जोड़ दिया तारों और खोल दिया उन्होंने। हमने बोला क्यों खोलते, बोले हम थोड़ी ना खोले, उनके अलावा कोई आदमी नहीं। उनको कितना समझाए, लेकिन इसलिए बुजुर्ग आदमी के दिमाग में जो बैठ गया, उनको लगता खाली फ्रिज क्यों चले, बिजली बढ़ रहा है। इसलिए बुजुर्ग आदमी को समझाना मुश्किल काम, और बंधुओं हमारी मैया लोगों को समझाना बहुत बड़ा काम। को करी तर्क बढ़ावई साखा, बुजुर्ग एक बार समझौ जाए, बच्चे को डांट फटकार के समझा भी दिया जाए, लेकिन आचार्य जी पत्नियों को समझाना कुत्ता का पूंछ सीधा करने बराबर। उनको नहीं, बुरा ना मानिएगा, गोस्वामी जी कहते हैं को करी तर्क बढ़ावई साखा, जैसे एक डाल काटने पर कई शाखा निकलती, इस प्रकार पति यदि पत्नी को एक बार डांटे तो पत्नी तो भद्रकाली बन जाएगी। जो पाए उससे, एक बार सत्य घटना, दिल्ली में हम कथा कर रहे थे और पड़ोस के घर के माता जी आई, अब जवाने थी, वो कहीं बोली बाबा बहुत परेशान हम, बोले का दिक्कत, बोले ससुरो दारू पीता है, पतियों दारू पीता है, घर में बड़ा क्लेश है, बहुत समस्या, एकदम सत्य घटना। बोले का करें, परेशान पति से, और रोए बोलते बोलते। हमको भी बड़ा दुख हुआ। हम बोले नहीं नहीं, चलो भगवान की कृपा होगी, मिलेंगे पति को समझाएंगे। और सांझ में देखे कुकर के हैंडल से पति को मारे जा रही है, आंखों देखो। जिसके घर में रुके थे वो बोले इसीलिए तो दारू पीता है पति, डेली शाम में मार खाएगा तो दर्द नहीं होगा, और ससुर इसलिए दारू पीता है कि लड़का पिट रहा है, बेटा पिट रहा है, कैसे देखे। अब क्या कर, कई बार भी पाला गड़बड़। माताओं को मायका बड़ा प्रिय है, इसलिए मेरी बात पर यदि विश्वास न हो तो जिनकी शादी हो गई वो रात में खाली ही कह दीजिएगा, जो अपने मायके से बेड लेकर आई ना, वो बेड बहुत रद्दी था, खाली इतना कह दीजिएगा, नहीं तो इतना कह दीजिएगा जो सोफा सेट लेके आई वो बेकार था, ओकर बाद पूरे खानदान को गरिया देंगे, तुम बहुत बढ़िया थे, बहुत सुंदर बारात लेकर गए थे, बहुत बढ़िया ही हुआ। मायका माताओं को बड़ा प्रिय लगता है, और हमने देखा पति पत्नी को कुछ भी लाए,
साड़ियों लाएंगे, कहेंगे 2000 का लेके आया है, 2000 का हमको साड़ी लाइएगा आप। और यही मेला में गांव में जाएंगे माइके में 200 रुपया की साड़ी लाएंगे तो कहेंगे 5000 का लेके आए हैं, हमारे बाबूजी दिए हैं, हमारे पिताजी दिए हैं, हमारे भैया जी दिए हैं। माताओं को समझाना। अच्छा पति लोग डरते हैं मार्केट ले जाना, किसी के घर ले जाने में माताओं को डरते हैं। और माताओं की एक सहज आदत है, किसी के घर जाएंगी तो पूरा घर देख आएंगी का नया आया है। और माताओं में एक दूसरी बड़ी आदत, कोई अतिथि आएगा तो उसको जरूर दिखाएंगी, देखिए हमारे यहाँ भी नया लगा है। जो नया होगा वही कपो आया है तो कप भी नए कप में चाय, नए बिस्तर पे ही बैठाएंगे, नए बेडवे पे बैठाएंगे, नए साड़ी दिखाएंगी और ये देखेंगी। और दूसरी जो देख रही हूँ मने मन भगोना होए जा रही, आज पति को जाके बताती हूँ इनके घर में टीवी आ गई, हमारे घर में कब आएगा। इसलिए पति देवता लोग डरते कहीं ले जाने में। अब भोलेनाथ जी सीधे साधे जहां जाते पत्नी को लिए जाते हैं।